क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आने वाला है मेरा रेलवे का, तो उसके लिए भी साइंस का भाई विजय का क्वेश्चन आवा, सोच समझ कर आंसर दियो, तगड़े सवाल पूछ रहा है विजय। लिया था, एक ही लोअर लिया था भाई अपना, इतना एग्जाम होगा सीटी का, तब तक अपना काम चल जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो आज का आपके लिए सवाल है कि जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तो उस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये आपने बताना है। तब तक मैं अपनी चाय गर्म करता हूँ और खाने खाते हैं, फिर लाइब्रेरी जाते हैं, ठीक है। आगे भी सवाल ऐसे पूछता रहा। कई दोस्त ऐसे बोल रहे थे कि आप चाय कम पिया करो, तो अभी ना ये गिलास इतना है, आधा गिलास है। तो यार सुबह सुबह जब रोटी खाते हैं तो चाय ज़रूरी चाहिए मुझे, बाकी दिन में तो कम ही कर रखी है मैंने। सो अभी सुबह सुबह मैं डेली टाइपिंग ही प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि वो फॉर्म भरा था ना पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कलर्क के लिए, सो उसका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर में होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि लाइब्रेरी में जाते ही मैं रिवीजन करता हूँ, और अभी जो स्पीडी की बुक है उसमें से साइंस के जो भी क्वेश्चन हैं वो भी मैं लिख रहा हूँ, और इसके अलावा जो जीके के क्वेश्चन हैं वो भी, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आने वाला है मेरा रेलवे का, तो उसके लिए भी साइंस का पोर्शन अभी मैं उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। और सीटी की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, आप सभी का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है टेलीग्राम पे। और जो मैं टारगेट देता हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लिख के मैं चला जाता हूँ, मैं उन्हें खुद करता हूँ, खुद पढ़ता हूँ। और आई होप आप भी अपना टाइम पे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के 2-2.5 महीने रहते हैं, और आप इसको हल्के में ना लीजिए, इन 2 महीने का इतना यूटिलाइज़ कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पास हो सके। और अभी 11 बजे हमें मार्केट में जाना है, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ कपड़े लेके आने हैं पहनने के लिए। और आप देखते होंगे वीडियो में मेरे पास 1-2 टी शर्ट ही हैं, जो काफ़ी टाइम उन्हीं को मैं यूज़ करता हूँ, सो आज कपड़े लेके आएंगे। और अभी मैं जो कल मैंने टेस्ट दिया था मॉक टेस्ट, उसका आज दोबारा से वो क्वेश्चन देख रहा हूँ कि जो मुझे क्वेश्चन नहीं आए थे, जैसे मैथ के हो गए या फिर जीके के हो गए, उनका रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई रोटी लीक है दोपहर वाली, ये एक सवाल पूछ रहा भाई बीजे, दूसरा और तीसरा पूछूंगा मैं। विजन को मेरे सवाल को नहीं आया था, पूछूँ कहीं तक कुछ पूछ ले यार, साइंस का, हिंदी का, जीके का, हरियाणा जीके का। भाई दूसरा सवाल था मैं बताना, जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश उसकी सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, आपने ये बताना है। क्वेश्चन तो ईजी है, लेकिन एक बार आप देखोगे तो रिवाइज हो जाएगा, और क्या यार है, बाकी विजय पूछ देखो इसके दिन आते सवाल लिख के। मतलब भाई विजय का क्वेश्चन आवा, सोच समझ कर आंसर दियो, तगड़े सवाल पूछ रहे विजय। क्वेश्चन यू है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन हो गए, बाकी अगर पूछ दूंगा वीडियो में 5 क्वेश्चन आओगे आज के। सोच समझ कर दियो दूसरा दूसरा का उत्तर। एक नंबर क्वेश्चन है, पेपर में भी आ सके भाई। अच्छा रे, सही है फिर तो। नहीं सर, समय तो कद लिया बनाया गई है, दिक्कत है भाई, मजा है देख कर दुनियादारी। फ्यूरलेंस के बाद हम मैथ करते हैं, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहते हैं हमारे, जैसे हिंदी, इंग्लिश वगैरह, कंप्यूटर हो गया, इनको फिर हम लंच के बाद करते हैं, क्योंकि इनको अभी थोड़ा थोड़ा करने की नीड है, और जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो हम सभी अभी देख लेते हैं।
बैग लिया मेरी लीड लिया आंदे उन्हें ये भी हो ब्राउजर लगा मेरे को भाई हमारा बस स्टैंड है गाड़ी का, मतलब जब कहीं जाना हो तो हम यहाँ आते हैं हमारे गांव से। ये जो हाईवे है ये है NH 52 संगरूर से लेके ये नरवाना जाएगा, नरवाना से फिर हिसार, हिसार से आगे राजस्थान तक जाता है, जाता तो आगे है ये शायद कर्नाटक तक, आप देख लेने के बार। बाकी NH 52 है संगरूर से हिसार। ले भाई ऐसी मरने के जूते ले आए स्कूल के कल, गाड़ी एक बार घूमने वाले हैं। एक जोड़ी काले जूते हैं, ब्लैक जूते, एक वाइट में है, स्कूल के हैं ये तो इसके सिमरन के। बाकी मैं एक दो टी शर्ट ले आया था, एक ही लोअर लिया था भाई, अपना इतना एग्जाम होगा CET का तब तक अपना काम चल जाएगा। और है बैग कहाँ इधर है, यू किसका बैग है, एक ये बैग है इसका स्कूल का, इसका स्कूल में नाम लिखा दिया मैंने सरकारी स्कूल में, ये बजाई करेगी या मैडम बन के ना स्कूल में है नहीं ये एरिंदी पैर ली गई बे ले चल दस नाव दे दे पहनूं ना एक बार आएगी है। क्वेश्चन आपके लिए ये है, GST सबसे पहले किस स्टेट में लागू हुआ था, ये आपने बताना है। और इसके अलावा जो आपका अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारे गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था, तो दो क्वेश्चन आपके ये हैं, आपने इनका आंसर कमेंट में करना है। यदि आप इनका आंसर कमेंट में नहीं लिखते तो एक बार देख जरूर लेना क्वेश्चन को कि क्या क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। और बाकी यदि लिखना चाहो तो आपका वो सही रहेगा यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखो तो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी जो भी कुछ कमी लगती है आपको वीडियो में या फिर मतलब आपको सुझाव कुछ देना है कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए तो आप वो भी कमेंट के जरिए फिर टेलीग्राम के जरिए मेरे पास अपना जो सुझाव है वो दे सकते हैं। सो थैंक यू।